हेलो वेलकम टू TNT। इस वीडियो में जानते हैं 12 जुलाई का इतिहास और कुछ प्रमुख जन्मदिन भी। यदि आपका भी आज जन्मदिन है तो करेंगे वो भी सेलिब्रेट। तो आइए तमाशा देखते हैं। बारह जुलाई 1674 शिवाजी महाराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मित्रता के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए 12 जुलाई 1674 को। 12 जुलाई 1801 अलजी सिराज की लड़ाई में ब्रिटेन ने फ्रांस और स्पेन को पराजित किया 12 जुलाई 1801 को। 12 जुलाई 1812 जनरल हूल के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने कनाडा पर हमला किया 12 जुलाई 1812 को। 12 जुलाई 1823 भारत में निर्मित पहला वाष्प जहाज डायना का कोलकाता में अनावरण किया गया 12 जुलाई 1823 को। 12 जुलाई 1879 बुल्गारिया ने नेशनल गार्ड्स यूनिट की स्थापना की 12 जुलाई 1879 को। 12 जुलाई 1912 क्वीन एलिजाबेथ अमेरिका में प्रदर्शित होने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी 12 जुलाई 1912 को। 12 जुलाई 1935 बेल्जियम ने तत्कालीन सोवियत संघ को मान्यता दी 12 जुलाई 1935 को। 12 जुलाई 1949 महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे गए प्रतिबंधों को सशर्त हटाया गया 12 जुलाई 1949 को। 12 जुलाई 1957 अमेरिकी सर्जन लेरोय ई बर्नी ने बताया कि धूम्रपान और फेफड़े के कैंसर में सीधा संबंध होता है 12 जुलाई 1997 को। 12 जुलाई 1960 भागलपुर और रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 12 जुलाई 1960 को। 12 जुलाई के कुछ जन्मदिनों के बारे में। 12 जुलाई 1968 भारतीय अभिनेता विनय पाठक का जन्म हुआ। 1980 भारतीय अभिनेत्री एल्विन शर्मा का जन्म हुआ। 1974 भारतीय अभिनेता परवीन डबास का भी जन्म हुआ और 1983 भारतीय क्रिकेटर मुनव पटेल का भी जन्म हुआ। इन सबको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज के दिन अगर आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। लक, हैप्पीनेस, लव, सक्सेस, हेल्थ और स्ट्रेंथ आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। 12 जुलाई को जन्मे हुए लोग राशि कर्क राशि यानी कैंसर, जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट के होते हैं, बहुत सेंसिटिव यानी बहुत संवेदनशील होते हैं और बहुत प्रैक्टिकल स्वभाव के यानी व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं। जरूरी नहीं आपकी राशि भी यही हो, आपकी राशि कुछ और भी हो सकती है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आप चेक करवा लें। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में इतना ही। आप जानना चाहते हैं और भी दिनों का इतिहास तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगी सारी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे TeamNationTamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।